नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरएएस परीक्षा 2016 का जो पेपर हुआ था वह पेपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पेपर के अलावा इसके संपूर्ण आंसर की भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आरएएस की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूँ कि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्कशन में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों हम आपको ये जो पेपर है और इसकी जो आंसर की है वह उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा और भी जो भर्ती संबंधी जानकारी आती है वह सभी जानकारी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हम शेयर करते रहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएँ। इसमें दोस्तों हम पहले पार्ट में 50% करेंगे, 50% के बाद में सेकेंड पार्ट में 50% करेंगे। इस प्रकार 150 क्वेश्चनों का पेपर है, जो संपूर्ण पेपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, 2018 का जो परीक्षा पेपर हुआ था वह संपूर्ण हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है। आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आरएएस एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आरएएस मेन से संबंधित पेपर एवं आरएएस के जितने भी पुराने पेपर हैं सब हम वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में आपको मैं 3 सेकंड दूंगा, जिसमें आपको आंसर उसका नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, या 50% में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है, जिससे पता चले कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है वह है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है कौन सा हुआ? विराट नगर बैराट, मध्य का नगरी रेड या ककरोट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्यमिका नगरी। ये इसका 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है क्या होगा आंसर? गटियाला अभिलेख, हेलियोदेश का बेसनर नगर अभिलेख, बुचकला अभिलेख एवं गोसुंडी अभिलेख? इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, 3 सेकंड आपके पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोसुंडी अभिलेख। तो गोसुंडी अभिलेख इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो पहला है आहाड़ का आदि वराह मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिद्वार मंदिर। तो नीचे कूट दिए गए हैं, कूट आपको मिलाने हैं, अर्थात इसमें क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा आप इसमें देख सकते हैं, कूट देख सकते हैं, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर इसका राइट आंसर हो गया, यानी चारों ही मंदिर, आड़ का आदिवरा मंदिर, आबनेरी का माता मंदिर और राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का हरिद्वार मंदिर, चारों मंदिर ही गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कौन सा नहीं था? तिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी और नाथा? तो कौन सा विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनि जिन विजय सूरी। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एवं सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और अच्छी वीडियो लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली पक्षी ख्याल संबंध है? तो किस क्षेत्र से है? करौली से, चिड़ावा से, अलवर से, चित्तौड़ से? 3 सेकंड आपके पास। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अलवर से। तो राजस्थान के अलवर क्षेत्र से अली पक्षी ख्याल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलियों से, भील से, सहरिया से या तेराताली से? तो किससे होगा? तो राजस्थान का संक्रिय नृत्य, 3 सेकंड है। तो ये दोस्तों कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? नाम दिए गए, आगे ग्रंथ का नाम दिया गया है। तो पुंडरिक विठल है वह रागमाला से, पवन भाव भट्ट संगीतराज से, कुंभा है राग कल्पमुद्रम से,
उस्ताद चांद खान है ये राग चंद्रिका से। तो इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुंडरीक विठ्ठल रागमाला से। तो एक नंबर इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ऊपर वाला सही पूछा था, यह पूछा गया गलत सुमेलित है। बेगू रामनारायण चौधरी, बूंदी नवीनराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। यह कृषक आंदोलन है, इनके नेता दिए गए हैं। तो इसमें एक गलत है, कौन सा गलत है जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। आकलित राजस्व, सैन्य कर, आयात निर्यात कर या बेगार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आकलित राजस्व है। तो एक नंबर इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो कहाँ पर था, सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर था जल्दी से बताइए। इसका जो मुख्यालय था वह दोस्तों झुंझुनू में स्थित था। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था। तो कौन सा नहीं था, देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक, राजपूताना गजट। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजपूताना गजट। तो स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान के जो राजपूताना गड्डक है, जो गजट है, वह समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर में। राइट आंसर बताइए, 3 सेकंड है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है। तो नाथद्वारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, आगे दिया गया संस्था का नाम, यहाँ पर दिया गया स्थापना वर्ष। तो संस्था का नाम राजस्थान सेवा संघ 1921, देश हितैषी सभा 1927, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1877, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज 1919। नीचे कूट दिए गए हैं, इस कूट में आपको मिलान करने हैं। वीडियो को प्यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए है वह 2 नंबर से, यानी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1927 में हुई। उसके बाद में हुई जो बी है वह 4 नंबर से मिला हुआ है। देश हितैषी सभा है, इसकी स्थापना कब हुई, 1919 में हुई। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद का 1921 में हुई। और जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज है उसकी स्थापना 1877 में हुई। तो ये 2 नंबर इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। तो किसने दिया था, कर्नल लोच ने, लॉर्ड लेंसडाउन ने, कैप्टन वाल्टर ने, लॉर्ड मेयो ने। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन वाल्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है, हेमचंद्र के द्वारा, अशाइत के द्वारा, श्रीधर व्यास के द्वारा या ईसरदास के द्वारा। तो हंसावली का रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, 3 सेकंड है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो गया असाहित्य द्वारा। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए जो कूट दिए गए उन कूटों से आपको करना है। तो एक साइड में दिए गए पर्वत शिखर और दूसरी साइड में दिए गए महाद्वीप, इसमें आपको कूट मिलाने हैं। तो कोशिको के आगे दिया गया यूरोप, मेकिनले के आगे दिया गया अफ्रीका, अल्ब्रुस के आगे ऑस्ट्रेलिया और किलीमंजारो के आगे उत्तरी अमेरिका। तो ये कूट नीचे दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 2 नंबर इसका सही उत्तर हो गया, यानी जो कोशिको है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है महाद्वीप में, और जो मेकनिले है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, अल्ब्रुस यूरोप में पड़ता है, और जो किलीमंजारो है किलीमंजारो दोस्तों अफ्रीका में, अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो कौन से प्रदूषक करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। नीचे ऑप्शन में है ए बी डी ए सी डी, केवल बी और सी, केवल ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा दोस्तों केवल ए और बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यह प्रदूषित करते हैं किसको? अम्ल वर्षा में तो जल और हिम दोनों को प्रदूषित करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो कौन हो सकते हैं? भूमंडलीय तपन, प्राकृतिक वाष्प का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, साकार को प्रोत्साहन। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। तो कूट आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी और सी, यानी डी को छोड़ दिया जाए तो ए बी और सी तीनों इसके सही उत्तर हो गए। तो इसमें एक नंबर सही राइट आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वह भी कूट मिलाने वाला है, यही है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। एक साइड में दिया गया है इंडस्ट्रियल रीजन यानी औद्योगिक प्रदेश और कंट्री किस देश में है? तो लंका शहर प्रदेश के आगे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूहर प्रदेश जर्मनी, केहिन प्रदेश यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण एपिलिएशन प्रदेश जापान। नीचे कूट दिए गए हैं, इसके अनुसार आपको राइट आंसर देना है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये तीन नंबर इसका राइट आंसर हो गया, यानी जो लंका शहर प्रदेश है ये यूनाइटेड किंगडम में है, और जो नेक्स्ट रूहर प्रदेश है, रूहर प्रदेश दोस्तों जर्मनी में है, और केहिन प्रदेश है, ये केहिन प्रदेश जापान में है, और जो बचा दक्षिण एपिलेशन प्रदेश है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है दर्रे और राज्य में स्थिति, तो सिपिकी ला जम्मू कश्मीर, जेलेप ला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, माना और नीति उत्तराखंड। तो क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों सिपिका ला जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण दिया गया, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। नीचे कूट दिए गए दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, एवं आर ए का सही व्याख्या करता है। ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर ए सही है। तो इसको आराम से पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए, तीन सेकेंड आपके पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो नंबर, यानी ए ओ आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? पहला दिया गया है मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। दूसरा दिया गया राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। तीसरा है मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। चौथा दिया गया है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। तो ये मैग्नीज के उत्पादन में ऊपर से नीचे की ओर कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो राजस्थान का चौथा स्थान है, पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा उड़ीसा का, तीसरा आंध्र प्रदेश का, चौथा राजस्थान का है। तो एक नंबर सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारे यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। तो ये उत्तर दक्षिण गलियारे में पहला नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी, ग्वालियर। तो इनको आपको जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, ऑप्शन दिए गए हैं, कूट दिया गया है, कूट पढ़कर राइट आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो नंबर, यानी बी डी ए और सी, यानी सबसे पहले उत्तर की ओर कौन सा है? आगरा, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद कृष्णागिरी, सॉरी उसके बाद में नागपुर और उसके बाद में कृष्णागिरी। तो ये दो नंबर है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है?
तो कौन सा होगा? पहला है दिलवाड़ा सज्जनगढ़ जरगा और तारागढ़, शेर जरगा सज्जनगढ़ तारागढ़, जरगा शेर सज्जनगढ़ तारागढ़, जरगा दिलवाड़ा तारागढ़ सज्जनगढ़। तो कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोह क्रम है? तो सही अवरोह क्रम कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी दो नंबर, यानी शेर जरगा सज्जनगढ़ और तारागढ़ है, तो ये इनका अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो किसको किया गया है? जैसमंद झील, आनासागर झील, राजसमंद झील या सांबर झील? तो किसको सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांबर झील को किया गया है। तो चार नंबर इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो पहली वन नीति का अनुमोदन सितंबर 2011 में, अगस्त 2010 में, मार्च 2011 में, फरवरी 2010 में। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा दोस्तों फरवरी 2010 में। तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन फरवरी 2010 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? तो चौधरी कुंभाराम नहर है, इसके द्वारा लाभान्वित जिला हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर, जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हनुमानगढ़, झुंझुनू। तो हनुमानगढ़, झुंझुनू, चौधरी कुंभाराम नहर से लाभान्वित जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। खनिज दिया गया, दूसरी तरफ खान दी गई है, तो इसमें तीन सही है, एक गलत है, वो गलत आपको पहचानना है। पहला है जिप्सम खान पलाना में, गुलाबी संगमरमर खान बाबरमल, तांबड़ा खान राजमहल, यूरेनियम कुराडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। तो जो गलत युग्म है वह पहचानना था, तो गलत युग्म दोस्तों जिप्सम पलाना, ये गलत युग्म है। तो इसका राइट आंसर है एक नंबर राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए। सर्वाधिक कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में आपको उनको लिखना है। पहला दिया गया जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। दूसरा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तीसरा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। चौथा जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो पहला जयपुर आया, तो पहला तो जयपुर ही होगा, उसके बाद में आपको कौन सा होगा वह आपको व्यवस्थित करके लिखना है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये दो नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में, उसके बाद में जोधपुर में, फिर अलवर में और उसके बाद में नागौर में। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो कौन से रखते हैं? चूरू और सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर, भरतपुर और धौलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये है दोस्तों बीकानेर और नागौर। तो बीकानेर और नागौर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, बी ए सी डी, ए बी डी सी, ए सी बी डी। राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बी डी सी, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह हैं? तो जनकपुरा और सरवाड़ खाने हैं, ये कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? पन्ना, तांबड़ा, पायराइट या बेराइट्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों पायराइट, तीन नंबर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में आपको सम्मिलित करना है। फर्स्ट में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दिया गया है, उसके बाद में जिला दिया गया है। तो जोड़बीड गाडेवल है ये झुंझुनू, गुड्डा विश्नोई नागौर, गोगेलाव जोधपुर, बीड बीकानेर।
तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, नीचे कूट दिए गए, कूट आपको मिलाकर बताने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये दो नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जोड़ बीड है, ये कहां पर है, ये बीकानेर में है। जो गुड़ा विश्नोई है ये जोधपुर में है। उसके बाद में आए गोगेलाव, तो गोगेलाव की बात करें तो गोगेलाव नागौर में, तब बीड है ये झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बी है राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। सी है राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। डी दिया गया है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट दिया गया ए बी और सी सही है, बी सी और डी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल ए और डी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ए और डी सही है, यानी ए और डी सही है, बाकी बी और सी गलत है। तो ये चार नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो तीन कथन सत्य होंगे, एक असत्य होगा जिसको आपको चिन्हित करना है। पहला कथन है भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ। दूसरा है यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चौथा है इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका दोस्तों जो असत्य कथन है वह दो नंबर असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर दो नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है। पहला है बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। दूसरा मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया। तीसरा है हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। चौथा है गोवा को दमन दीव से अलग किया गया। तो एक कथन असत्य है उसके बारे में आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो कब किया गया, 1975 में, 1976 में, 1978 में या 1979 में। तो क्या होगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1976 में। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। ये केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। लेकिन दोस्तों हाल ही में राज्यसभा में और लोकसभा में एक RTI संशोधन बिल, अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया गया है जिसमें इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो वो बदलाव आप देख लेना, उसका वीडियो अलग से बनाकर मैं अभी डालने वाला हूँ, तो एक दो दिन में वीडियो आ जाएगा, तो आप वो भी देख लें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को या विधानसभा को। तो यह है दोस्तों विधान परिषद को। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसीलिए सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर ऐसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में परिवर्तनीय नहीं है। पहला है असम, मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम, मेघालय, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित प्रदेश क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, गोवा, मेघालय, नागालैंड, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, तीनों की एक एक सीट जो है लोकसभा में है। अगला प्रश्न देखते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल कीजिए
और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 29, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 18, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26। ये कूट मिलाकर आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, यानी उपाधियों का जो निषेध है यह अनुच्छेद 18 में है, और जो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद दोस्तों 26 में पाई जाती है, और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है यह अनुच्छेद 29 में पाया जाता है, और जो शिक्षा का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, इसे प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली का समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, और चौथा है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया या कार्यपालिका प्रक्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 सेकंड आपके पास। तो यह हो जाएगा दोस्तों कार्यपालिका प्रक्रिया। तो यह इसका सही उत्तर हो गया, सॉरी इसका यह नहीं होगा, इसका हो जाएगा दोस्तों अर्धन्यायिक प्रक्रिया। इसमें 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 30 जून 2016 तक कितनी बार किया गया है, या अभी तक वर्तमान तक भी देख लें तो भी कितना बार किया गया है? 5 बार, 3 बार, 6 बार या 4 बार, क्या होगा राइट आंसर? तो यह किया गया दोस्तों 4 बार, तो 4 बार इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 200, 160, 188 या प्रत्येक जिले में 3 विधायक, कितनी निर्धारित की थी, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो ये होगी दोस्तों 160, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो इनसे पहले कौन थे? ओपी कोहली, राम नरेश यादव, राम नाइक या माइग्रेट अलवा। तो कौन थे दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम नाइक। तो राम नाइक है ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? मोहम्मद याकूब का, यतीन्द्र चौधरी का, डीएस तिवाड़ी का, सी आर ए चौधरी का। तो किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएस तिवाड़ी का। तो आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल यह डीएस तिवाड़ी का रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, यह है जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो जिला आयोजन समिति में 20 और 5 होते हैं, 20 और 3 होते हैं, 20 और 2 या 20 और 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 और 3, यानी 20 सदस्य निर्वाचित और 3 सदस्य हैं वह पदेन सदस्य होते हैं। तो ये दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट जो आर एस परीक्षा 2016 का पेपर था उसके 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। सारा क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड किया है। 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए, 50 अगले में करेंगे, और 50 थर्ड पार्ट में करके इसका जो कंप्लीट आंसर किया है वह आपको उपलब्ध करवा दी देगी। आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आर एस के अन्य जो पुराने पेपर हैं वह भी हमारी प्लेलिस्ट आर एस एग्जाम में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।